हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपका स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच में होने वाला सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए भाई, ये जो मैच आपको सवेरे 9 बजे खेला जाएंगे। वेन्यू की बात किया जाए तो आपको ऑलरेडी पता है भाई, सारा मैच इसी ग्राउंड पे हो रहे हैं, शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका बांग्लादेश में होने वाला है। तो भाई पहला ओडीआई मैच भारत हार चुके हैं, छोटा सा टारगेट को आसान से चेज नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली नज़र आते हैं भाई, घमंड। क्योंकि अगर आप छोटा टीम समझ के आप अगर किसी भी टीम को कमज़ोर समझोगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। तो ये जो पिच है भाई, जान लीजिए बॉलिंग पिच है, गुड फॉर स्पिन बॉलर्स है, एवरेज को 130 से 140 रन तक बन सकता है। और वेन्यू की बात किया जाए, शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर 136 140 दिख रहा है भाई, तो यहाँ पर एक बड़ा स्कोर भी बन सकता है, 200 प्लस यहाँ पर बनने की चांस है भाई। तो कौन कौन सा प्लेयर लास्ट मैच में अच्छे खेले, सारा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। तो दोनों टीम की फॉर्म पे एक बार नज़र रखता हूं भाई यहां पर। तो दोनों टीम की फॉर्म पे अगर नज़र रखा जाए तो यहां पर आप देख लीजिए, बांग्लादेश वुमेन लास्ट मैच जीते हैं भाई यहां पर, और यहां पर लास्ट मैच तो जीते हैं लेकिन बाकी 4 मैचेस हारे हैं भाई लास्ट 5 मैचेस में। और इंडिया वुमेन अगर देखा जाए तो लास्ट मैच हार गए और यहाँ पर 4 मैच जीत के आए। तो इंडिया के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच हार गए भाई। तो हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरे 6 बार हुआ भाई, इसमें बांग्लादेश वुमेन लास्ट टाइम जीत के पहला रिकॉर्ड दर्ज किया और भारत यहाँ पर 5 बार जीते हैं भाई यहाँ पर। तो बांग्लादेश वुमेन से इंडिया के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं लेकिन भाई अब एक बार हारते हो तो यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। तो भारत ये जो ये मैच खेले भाई, लास्ट मैच डे लाइट मेथड से हार गए थे यहाँ पर। तो इस मैच में कौन कौन सा अच्छा प्लेयर खेले आपको मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पर बांग्लादेश वुमेन जो मैच है भाई, 152 रन बनाए 43 ओवर में। तो यहाँ पर अमनजोत कौर यहाँ पर 4 विकेट, देविका वैज्या को 2 विकेट मिले, और यहाँ पर दीप्ति शर्मा 20 रन बनाए 40 गेंदों पे, यस्तिका भाटिया 15 रन। तो यहाँ पर भारत को ये मैच लास्ट मैच में 40 रन से हरा दिया भाई, डे लाइट मेथड था यहाँ पर। तो भारत भी ये मैच जो मैच है भाई यहाँ पर डे लाइट मेथड ने सॉरी यहाँ पर भारत भी यहाँ पर 113 रन पर ऑल आउट हो चुका है भाई। ये बात देखना पड़ेगा आपको, 153 रन की टारगेट को भारत ने चेज नहीं कर पाया भाई, और ये मैच बांग्लादेश वुमेन बहुत आसान से जीतनी है भाई। तो यहाँ पर बांग्लादेश वुमेन लास्ट मैच अच्छा खेली है भाई, तो इसी वजह से जीते हैं। उसके बाद अभी आपको मैं बताऊंगा विकेट कीपर बैट्समैन इनमें से कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए। तो हेड टू हेड सब कुछ रिकॉर्ड्स हमने देखने के बाद यहाँ पर, तो बारिश होने की जो चांस है भाई यहाँ पर, ह्यूमिडिटी जो क्लाइमेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर बारिश होने की चांसेस यहाँ पर 70% तक है। तो यहाँ पर मोस्टली क्लाउड रहने वाले हैं भाई यहाँ पर मौसम, तो बारिश भी अगर होता तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस में फेस बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स को कितना विकेट मिला ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फेस जो बॉलर्स है भाई उनको पूरे 78 विकेट्स मिले, और स्पिन जो बॉलर्स है भाई उनको यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर 81 विकेट्स मिले। तो फेस बॉलर्स को यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है भाई यहाँ पर 78 विकेट्स, और स्पिन बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रहा है 81 विकेट। तो यहाँ पर किसी भी से आप कम मत समझना। तो ये जो पिच है भाई यहाँ पर आपको बॉलिंग पे दिखा रहे हैं, तो स्पिन बॉलर्स 81 विकेट लिए और फेस बॉलर 78 विकेट लिए, तो यहाँ पर दोनों को सेम सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को सोच समझ के टीम बनाना पड़ेगा। तो अब चलिए टीम बनाते हैं भाई यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर कुछ प्लेयर्स पर ध्यान दूंगा, उसी प्लेयर्स को आपको टीम में रखना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो प्लेयर हम पिक करने जा रहे हैं, यहाँ पर 2 विकेट कीपर है यहाँ पर, नाइजर सुल्ताना, यस्तिका भाटिया, इन दोनों में से एक प्लेयर को लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं नाइजर सुल्ताना को ले रहा हूँ भाई यहाँ पर, जो लास्ट मैच के लिए काफ़ी अच्छे खेले हैं भाई, 39 रन बनाइए 64 गेंदों पर। तो यहाँ पर आप इनको लीजिए टाइम, 39 रन बनाए 64 गेंदों पर, स्ट्राइक रेट भी कम है लेकिन यहाँ पर लास्ट मैच में अच्छी खेली है, तो आप इनको टीम पर रखेंगे तो आपको फायदा ही रहने वाला है। उसके बाद बल्लेबाजी इंस्ट्रक्शन पर भाई हरमनप्रीत कौर है, लास्ट मैच में 5 रन बना के आउट हो गए भाई, लेकिन यहाँ पर इनके पास क्या एक्सपीरियंस है सभी को पता है। और स्मृति मंदाना 11 रन 12 गेंदों पे, ये भी फ्लॉप रही है भाई। उसके बाद जो बांग्लादेशी प्लेयर है भाई फॉरकन हक है, आप चाहे तो इनको ले सकते हो, जो लास्ट मैच में यहाँ पर 27 रन बनाए 45 गेंदों पर, तो इनको भी मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको कौन से प्लेयर को लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो भाई लता मंडल अभी तक तो नहीं खेली है भाई, लेकिन अगर ये खेलती है तो आप इनको ले सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए भाई यहाँ पर हम 3 बल्लेबाज के साथ जा रहे हैं। और अभी आपको मैं ऑलराउंडर्स पे किसको लेना चाहिए आपको मैं बता दूंगा, यस्तिका भाटिया लास्ट में सॉरी दीप्ति शर्मा 20 रन बनाए 40 गेंदों पर, और एक विकेट भी इनको मिला भाई, तो इनको मैं टीम पर ले रहा हूँ। शेफाली वर्मा लास्ट मैच नहीं खेली है भाई, अगर खेली रहती तो अच्छा रहता है, तो यहाँ पर इनको लास्ट मैच में रेस्ट दिया गया है और यहाँ पर ये नहीं खेली है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं भाई सालमा कार्टून भी लास्ट, ये दोनों जो बेस्ट प्लेयर्स हैं दोनों नहीं खेले। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे स्नेह राणा भाई यहाँ पर वनडे रिसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो स्नेह राणा यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रही है। स्नेह राणा यहाँ पर आपको ऑलराउंडर और एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है भाई। स्नेह राणा यहाँ पर आपको ऑलराउंडर सेक्शन है, गेंदबाजी सेक्शन पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये
आपको इनको ये बैटिंग भी अच्छी कर लेती है तो यहाँ पर, लेकिन लास्ट में इनको भी कोई विकेट नहीं मिला भाई यहाँ पर। लेकिन आपको ऑलराउंडर्स पे दीप्ति शर्मा को लेने के बाद, उसके बाद कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, रबैया खान। लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे गेंदबाजी की भाई यहाँ पर रबैया खान ने, लास्ट मैच में 10 रन बनाए भी है। और इसके साथ साथ अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो यहाँ पर इनको कितने विकेट्स मिले आपको ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो लास्ट मैच में रबैया खान ने पूरे 3 विकेट लिया भाई, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे गेंदबाजी की, 30 रन देके 3 विकेट लिए। उसके बाद देविका वाइजा है भाई, यहाँ पर देविका वाइजा भी कमाल की गेंदबाजी की, आप देख सकते हो 10 रन बनाई है और यहाँ पर 2 विकेट भी इनको मिला। और इकोनॉमी रेट पर थोड़ा नज़र रखते हैं, 5.14 इकोनॉमी रेट है, कोई ख़राब नहीं। तो यहां पर देविका वाइजा को भी यहां पर मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो यहां पर 3 ऑलराउंडर्स को लिए, 3 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर है। और अभी यहां पर जो प्लेयर हम पिक करने जा रहे हैं भाई, गेंदबाजों को पिक करेंगे। तो गेंदबाजी में कौन कौन सा प्लेयर को लेंगे तो हमारा टीम स्ट्रांग बनेगा, ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको नाहिदा अख्तर लास्ट मैच में 1 विकेट लिए भाई, 16 रन दिए। उसके बाद यहाँ पर कौन सा प्लेयर अच्छा आपको चलिए दिखा देता हूँ, मरूफा अख्तर लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे गेंदबाजी के, 4 विकेट इनको मिला भाई। तो यहाँ पर आप टीम में लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 4 विकेट लेना आसान बात नहीं है, 29 रन दिए, तो इनको मैंने कन्फर्म कर लिया। उसके बाद आते हैं भाई अमनजोत को, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे गेंदबाजी की, 15 रन बनाई है। और इसके साथ साथ भाई 9 ओवर गेंदबाजी करके यहाँ पर 4 विकेट इनको मिला, इकोनॉमी रेट भी 3.44 है, तो काफ़ी अच्छे गेंदबाजी है। तो यहाँ पर इनको भी मैंने टीम पर कन्फर्म कर लिया। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टीम लगभग यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर आप बैट्समैन पे फोकस कर सकते हो, तो बैट्समैन पे भाई यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्यूस को आप ले लीजिए तो आपको यहाँ पर फायदा ही मिलने वाले। तो भाई अभी कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए, तो यहाँ पर नो डॉट यहाँ पर हरमनप्रीत कौर मेरा कैप्टन रहेंगे, और वाइस कैप्टन पे भाई आपको दीप्ति शर्मा यहाँ पर एक अच्छा पिक रहने वाला है। तो भाई टीम अच्छे से देख लेना भाई, एक बार आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर विकेट कीपिंग पे नाइजर सुल्ताना, 4 बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जेमिमा रोड्रिग्यूस, पॉर्कनहाग। ऑलराउंडर्स पे दीप्ति शर्मा, रबैया खान, देविका वाइजा। और गेंदबाजी में भाई यहाँ पर आपको नाहिदा अख्तर और यहाँ पर अख्तर, इसके साथ साथ अमनजोत कौर है। कैप्टन पे वाइस कैप्टन पे दीप्ति शर्मा, वाइस कैप्टन कैप्टन पे हरमनप्रीत कौर, आप स्मृति मंदाना को ले लीजिए। नाइजर सुल्ताना भी एक अच्छा पिक है भाई यहाँ पर। रबैया खान ने लास्ट मैच में 4 विकेट लिए, और यहाँ पर दोनों यहाँ पर जो बॉलर्स है, यहाँ पर मरूफा अख्तर ने लास्ट मैच में 4 विकेट लिए, ये लेना ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर लास्ट मैच बांग्लादेश वुमेन जीते भाई, ये सच है, आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हमारा टीम बन गया यहाँ पर। तो मेरे टीम बनने के बाद फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।